विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए गोरक्ष प्रांत से बजरंगियों का जत्था 2 अगस्त को लोहित एक्सप्रेस से जम्मू तवी के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री सगुण श्रीवास्तव ने यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं का मिठाई खिलाकर स्वागत किया व यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली इस यात्रा से सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित बाबा बूढ़ा अमरनाथ से हिंदुओं का पलायन रुका है। जत्थे का नेतृत्व कर रहे बजरंग दल गोरक्ष प्रांत के संयोजक पुनिंदु शाही ने बताया कि 8 दिवसीय यह यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ, माता वैष्णो के दरबार सहित अनेक जगहों पर जाने वाली है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष गोरक्ष प्रांत के विभिन्न हिस्सों से 75 की संख्या में बजरंग दल के नौजवान यात्रा पर जा रहे हैं और यह यात्रा हर वर्ष आयोजित की जाती है। इस बार इस यात्रा में बजरंग दल के प्रांत मिलन प्रमुख दुर्गेश राव, हरिनाथ सर्राफ, रंगी लाल कसौधन, उमेश जायसवाल, हनुमत मौर्य, भोला जायसवाल, दीपक सुधाकर वर्मा, कमलाकांत मिश्रा व राजेंद्र जगदाले सहित प्रांत से 75 नौजवान यात्रा के लिए निकले हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री सगुण श्रीवास्तव ने कहा, जय श्री राम जय देश का बाल बजरंग दल भारत माता की जय। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। यह यात्रा इस उद्देश्य से शुरू की गई थी कि बूढ़ा बाबा अमरनाथ में एक संप्रदाय विशेष ने कब्जा करने की कोशिश की थी, वहाँ से हिंदुओं का पलायन हो रहा था, जिसको देखते हुए भी हिंदू परिषद ने और बजरंग दल ने बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के का आयोजन करना शुरू किया और परिणाम स्वरूप हर वर्ष हजारों की संख्या में हमारे देश से बजरंग दल के कार्यकर्ता बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। इसका परिणाम यह निकला कि वहाँ पर वर्ग विशेष का प्रभाव कम हुआ, हिंदुओं का पलायन रुका और हिंदू वहाँ पे ससम्मान, सुरक्षित और व्यवस्थित है। इसी क्रम में आज गोरखपुर से बजरंग दल के 75 कार्यकर्ताओं ने बूढ़ा अमरनाथ के लिए यात्रा प्रारंभ की है। मैं उन सबको यात्रा की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। जय श्री राम।